घर पे आया तो हमने अपना डोर खोला तो आके देखा हमारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। 15-20 हज़ार कैश पड़ा था, वो भी ले गए हैं। और साथ में मेन बात है कि दिन दहाड़े आके मतलब ऐसा हो रहा है हमारी उधमपुर की सिटी में, तो बहुत गलत बात है। पहले उन्हें मेन डोर खोले था, वो भी खिड़की पाड़ी थी, फिर वो डोर नहीं खोले था। मेरे भाई हमारे वीडियो में साइड के लिए एंटर हुआ है, अंदर के लिए आया। ये बूट लगे हैं ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, अंदर के लिए एंटर। आप सबसे पहले अपना नाम बताओ जी सर। और क्या आज हुआ आपके पास? सर मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 16, ये अपना नियर डीएन पैलेस, अपना आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कि हमारा जम्मू में भी घर है। तो मैं थोड़े दिन पहले जम्मू गया था, तो आज मैं यहाँ पे घर पे आया तो हमने अपना डोर खोला तो आके देखा हमारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। तो जैसे ही मेरी वाइफ किचन में गई तो आगे देखा उन्होंने विंडो भी काटी हुई है, लोहे की विंडो काटी हुई है। तो हमें शक हो गया कि कोई चोर आया। जैसे मैंने मेन डोर खोला आगे देखा तो ये जाली वाला डोर भी उन्होंने जाली तोड़ी हुई है, इसको भी खोलने की कोशिश की है पर ये खुला नहीं है। वो उस रास्ते से अंदर आया, मेरी अलमीरा तोड़ी है। पर ये है कि भगवान का शुक्र है कि मैंने इतना कुछ रखा नहीं था, ये है कि 15-20 हज़ार कैश पड़ा था, वो भी ले गए हैं। और साथ में मेन बात है कि दिन दहाड़े आके मतलब ऐसा हो रहा है हमारी उधमपुर की सिटी में, तो बहुत गलत बात है। ये तो चलो भगवान का शुक्र है मैं बच गया कि कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी घर पे, पर ये है कि जो भी हुआ गलत हुआ। मैं अपने उधमपुर के SHO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे हैं वो हमारे उधमपुर के SHO, उन्होंने कल भी एक स्टोलन वाला केस सॉल्व किया, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस केस को भी अच्छे तरीके से देखें और हमारी ये जो जो वारदात हुई है इसको सॉल्व करें। सर गोल्ड वगैरह कुछ नहीं? गोल्ड वगैरह कुछ नहीं है, मेरे छोटे बेटे के वो चांदी के कंगनू थे दो, वो ले गए, बस इतना ही है और कुछ नहीं।